मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल को जिस तरह बीजेपी का टिकट मिला है, उसे सब हैरान है कि पीएम मोदी और बीजेपी क्या अपने पुराने बयान भूल गए। ये मामला एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी की भ्रष्टाचार को लेकर हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। यही पीएम मोदी और बीजेपी के नेता हैं जो कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल को निशाने पर लिया करते थे। और प्रकाश जावड़ेकर ने मनमोहन सरकार के वक्त क्या कहा था, जरा सुनिए। एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दशरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। नवीन जिंदल को अब बीजेपी ने टिकट दिया तो सोशल मीडिया पर लोग सुधीर चौधरी को भी ट्रोल करने लगे, क्योंकि नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले की खबरें रोकने के लिए सुधीर चौधरी और उनके साथी ने 100 करोड़ की मांग की थी। और ब्लैकमेलिंग के इसी आरोप में सुधीर चौधरी ने कुछ दिन तिहाड़ में भी गुजारे थे। सुधीर चौधरी को ट्रोल करते हुए पब्लिक ने कहा, सुधीर चौधरी आपने तो सिर्फ 100 करोड़ मांगे थे, भाजपा तो हजारों करोड़ का जिंदल ही उठा लाई आपके लिए, हैप्पी होली। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और कहते थे कि पूरी कांग्रेस इस भ्रष्टाचार में शामिल है। कोयला घोटाले का जिक्र कई बार पीएम मोदी ने अपने रैलियों में किया है। लगातार अब तक कोयला घोटाले को लेकर मनमोहन सरकार पर पीएम मोदी और बीजेपी सवाल उठाते आए हैं, तो अब नवीन जिंदल को टिकट देना सवाल ये उठाता है कि क्या बीजेपी आरोपियों को भूल जाती है और आरोप पर कायम रहती है। इसे कहते हैं शुद्ध तौर पर हिपोक्रेसी। नवीन जिंदल में क्या खासियत है कि अचानक कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं और अपने कार्यकर्ता की बजाय बीजेपी कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को मैदान में उतार देती है। अगर एक एक्टिव पॉलिटिशियन की तरह बात करें तो नवीन जिंदल कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नजर नहीं आते, शुद्ध तौर पर उद्योगपति हैं। तो बीजेपी कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, तो मुद्दों से दूर होकर नवीन जिंदल को टिकट देना दिखाता है कि कार्यकर्ताओं की बजाय रसूख वाले, बड़े पैसे वाले सब टिकट पा जाते हैं बीजेपी में भी। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के बड़े बड़े भाषण हकीकत से दूर नजर आते हैं। आप नवीन जिंदल को अचानक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते ही टिकट देने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी।